I have with me the World Cup winning team, which has won as many as 4 gold medals. With me is Lovlina Borgohain, Switi, as well as Neetu. First question to Lovlina. एक टाइम ऐसा आया था जो आप तो ओलंपिक चैंपियन हो, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जब कॉमनवेल्थ गेम्स में आपको मेडल, सब लोग उम्मीद करते थे आपसे मेडल का, तो वो जब मेडल नहीं आया, तब और अब में कितना फर्क आया और अब आप कैसे सोचते हो, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? हाँ, एक टाइम आया था कि लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं मेडल नहीं ला पाई, वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि जब हम देश के लिए खेलने के लिए जाते हैं और मेडल नहीं ला पाते, तो वो खुद के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हैं हम, कि हम देश का एक कोटा कहीं ना कहीं हमारी वजह से लॉस हुआ जैसा लगता है, तो वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ टाइम था, लेकिन मैंने उस चीज से बहुत कुछ सीखा और मैं आगे के लिए तैयारी किया, क्योंकि मेरा जो एम था कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक में मुझे अच्छा करना है, ओलंपिक गोल्ड लाना है, तो उसके लिए हर एक कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसमें हमें अपना 100% देना जरूरी होता है, तो बहुत बहुत कुछ रीजन था मतलब वहां में मेडल नहीं लाने का, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है उसको मैं कंटिन्यू रखा, पूरा फोकस मैंने गेम पर डाला और बहुत पेशेंस रखा और उसके बाद आज ये पॉसिबल हो पाया। लवलीना, तब उस दौरान काफी लोगों ने कहा था कि शायद लवलीना का, शी हैज पास्ट हर प्राइम, शायद बेस्ट ऑलरेडी निकल चुका है, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे? हमें जो जो भी लोग निगेटिव बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हमसे एक्सपेक्टेशन जुड़े रखते हैं, इसी एक रीजन के वजह से कोई लोग अगर निगेटिव बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे क्रिकेटर्स के साथ होते थे, अगर वो हार जाते थे कोई आके उनका घर भी जला देते थे, तो वो उन लोगों का प्यार है कि वो चाहते हैं कि जो चैंपियन है वो हार ही नहीं सकता है, वो एक मन में बैठ जाता है कि जो चैंपियन होता है वो कभी हार ही नहीं सकता है, हमारा रोल मॉडल कैसे हार सकता है, हम भगवान के विश्वास करते हैं, तो भगवान अगर कुछ गलत कर दे या फिर उनसे कुछ गलती कैसे हो सकता है, ऐसे मानते हैं, तो हमारा जो रोल मॉडल होते हैं वो नहीं हार सकते, जो एक थॉट प्रोसेस है उस वजह से ऐसा होता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन उस चीज से हमें ये जानना जरूरी होता है कि लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन है हमें कोशिश करना चाहिए उसके ऊपर हमें खड़ा उतरने की। अब नेक्स्ट एशियन गेम्स टारगेट है आपको, वहां पे अच्छा करना है, मेडल लाना है और क्वालिफाई करना है ओलंपिक्स में, आपने कहा कि ओलंपिक का गोल्ड जो है वो आपका सपना है, तो उस दिशा पे कैसे आप आगे जा देख रहे हो एशियन गेम्स को? हर एक कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और अभी मेन तो ओलंपिक ही हमारा अल्टीमेट टारगेट रहता है, तो उसके लिए क्वालिफाई होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो एशियन गेम्स में क्वालिफिकेशन होंगे तो इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा एशियन गेम्स, और अभी जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप था ये अभी खत्म हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए पूरी तरीके से तैयारी करना है और हम आशा करते हैं कि हम अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सब लोग हैं, हमारे BFI है, साई है, टॉप्स है, गवर्नमेंट है, कोचेस इतने अच्छे से हमारे साथ काम करते हैं और सब इतना मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट जरूर अच्छा होगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं और ज्यादा मेहनत कर पाऊं। नीतू, आपका पहला ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है और उसी में पहले में ही आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो क्या आपने ये उम्मीद किया था कि ये आप जीत पाओगे, क्या ये एक सपना है जो कि आपने साकार कर दिया, आपको क्या लगता है? तो लास्ट टाइम 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, तो एक ये था कि मुझे अभी वर्ल्ड चैंपियन भी बनना है, तो मैं अभी इसी की पूरी तैयारी में अभी इस कॉम्पिटिशन में ये सोच के आई थी कि मुझे अब यहाँ से पूरा सपोर्ट भी मिला, मुझे हमारे इंडिया होम ग्राउंड में हो रहा है, तो मुझे ये था कि यहाँ पे गोल्ड लेना ही है। इतना विश्वास, इतना जो है ये कहाँ से ला पाती हो आप, क्योंकि आप बहुत यंग हो आप और पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में ही आपने गोल्ड लिया है, पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही गोल्ड लिया है, तो ये कहाँ से, ये विश्वास जो है ये कहाँ से आ पाता है? सपोर्ट आपको BFI से मिलता है, साई से मिलता है, लेकिन ये विश्वास कहाँ से मिलता है? मुझे मैं यूथ्स में भी 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हूँ, तो BFI और साई की तरफ से मुझे काफी सपोर्ट मिला है, और मैं 2016 से ही साई सेंटर में ट्रेनिंग करती आई हूँ रोहतक से, तो मैं वहां से मेरा बेस भी अच्छा बना है, तो मैं ये मेडल जीत पाई हूँ, और मेरी फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से मैं
अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। ये तो अभी तो बहुत लंबा सफर है आपके पास, तो आप आगे का फ्यूचर आपका क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि आपसे हम मल्टीपल मेडल्स एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे हाउस होल्ड नेम है, मैरी कॉम है, निखत जरीन है, लवलीना बोरगोहेन है, आप भी एक हाउस होल्ड नेम हो, आप आगे चल के आप क्या देखते हैं, आप कितने मेडल्स आप लाना चाहोगे? अभी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो अभी मुझे इसको इस लेवल को ऐसे ही बरकरार रखना है और आगे और ज्यादा भी मेडल्स जीतने हैं। अभी कोई टारगेट किया है आपने, कुछ ऐसा कुछ ओलंपिक्स? हर एक प्लेयर का ड्रीम होता है तो ओलंपिक गोल्ड जीतना, तो मेरा भी है और मैं अभी इसी पे काम करूंगी। तो ये गोल्ड हमें पेरिस में ही मिलने वाला है या लॉस एंजलिस में मिलेगा? तो अभी मैं तैयारी करूंगी, अभी हमारे एशियन गेम्स है, मैं तो ट्राई करूंगी कि मैं उसमें क्वालिफाई कर पाऊँ। जी आप जो है आप एक वेटरन बॉक्सर हो, आप 2014 में भी मेडल लेके आए थे, इस बार मेडल का कलर जो है वो चेंज हो गया, हम देख पा रहे हैं इस बार आपके पास गोल्ड है, तो कितना मतलब जब उस वक्त और अब में स्वीटी कितनी बदल गई हैं, और एज ए बॉक्सर और एज ए पर्सनैलिटी आपको बहुत सराहा जाता है, आप की बहुत फैसेट्स हैं, थोड़ा सा बताइए। जी चेंज तो आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आपके गेम में भी चेंज आता है, आपकी मेंटेलिटी में भी चेंज आता है, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी बहुत चेंज आते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो। तो मेरे गेम में सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैं अब कोई भी गेम खेल सकती हूँ, हम कोई भी स्ट्रेटजी जैसे बनाकर जाते हैं तो वो गेम मैं खेल सकती हूँ, और पहले क्या था कि मैं एक ही गेम ज्यादा खेल सकती, जैसे अग्रेसिव ज्यादा खेलती थी मैं उस टाइम, और अभी मैं हर टाइप से मैं खेल लेती हूँ जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। और क्या पूछा था आपने कि आपकी पर्सनालिटी और जो बॉक्सिंग में ये जो है इतने चेंजेस आई हैं, और इस वक्त आप क्या देख रहे हो अपने आप को, कहाँ पे आप अपने आप को पाते हो? जी फैशन की बात करते हैं तो मैं बचपन से ही बहुत फैशनेबल हूँ क्योंकि मेरी माँ वैसे पहले से ही पहनने का बहुत शौक रहा है मुझे, तो मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, और ये शौक मुझे मेरी माँ से मिला है क्योंकि मेरी माँ चाहती है, हमेशा से चाहती है, जैसे कि हम गाँव में रहे हैं लेकिन कभी उन्होंने मेरे कपड़ों पर कभी ऐतराज नहीं किया, वो हमेशा बोलती कि हाँ ये अच्छा लगता है ये पहना कर। वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं, अभी ओलंपिक आपका ड्रीम है, इसके बाद कोई फिल्म या मॉडलिंग या कुछ और आपने सोचा है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कुछ समथिंग डिफरेंट? वैसे 2014 में मेरे पास हॉलीवुड मूवी का ऑफर था जो बॉक्सिंग के ऊपर ही थी, और मैंने मतलब मैं इस लाइन को इतना पसंद जब अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, वैसे मेरे पास 12 में भी 16 तक मेरे पास था, और अभी अगर कुछ अच्छा आता तो देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक प्लेयर एक्टिंग करनी चाहिए प्लेयर को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना करियर बॉक्सिंग में ही रखूं और बॉक्सिंग से ही जुड़े कुछ काम करूं मैं, तो अभी मैंने इस बारे में लेकिन जो टाइम के अनुसार देखते हैं कि क्या चीजें होती है क्या नहीं होती, क्या कर सकते क्या नहीं, ऑफर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या चीजें वो करते, क्योंकि लाइफ में हर चीज हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है, एकदम से ऐसे नहीं कर सकते। आपका जो ओलंपिक में आपको वेट थोड़ा कम डिवीजन में लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कंफर्टेबल हो, और किस डिवीजन में आप लड़ना चाहोगे, और कितना आपको उम्मीद है और हौसला है कि मेडल मिल सकता है आपके डिवीजन में? जी जो मैं अभी 81 में कर पा रही हूँ 75 में मैं उससे बेटर ही करूंगी, क्योंकि मेरा नेचुरल वेट 74 चलता था और मैं उससे बढ़ाकर मेरा बॉडी मुझे पे, तो लवलीना के साथ कंपटीशन हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लवलीना के साथ मैंने बाउट पहले भी खेली है, तो पहले से ही जैसे पहले लवलीना 69 में खेलती थी, अभी इसने भी क्योंकि चेंज किया है, क्योंकि हमारा वेट ही एक वेट कैटेगरी एक रहेगी 75 kg, बट मैं अपना बेस्ट दूंगी, और दोनों में से कोई भी जाए, हम दोनों में से कोई भी जो जाएगा इंडिया के लिए बेस्ट ही करके आएगा, क्योंकि जो दो लोग करते हैं तो अच्छे लोग लड़ते, तो एक को तो रहना ही पड़ता है ना सर।